नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। नंदगंज थाना क्षेत्र के रजादी गांव के नहर के पास सोमवार की सुबह एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी होते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। मृतक के शरीर पर चोट के गंभीर निशान थे। शव के पास ईंट और लाठी पड़ी थी जिसमें खून लगा था। इससे लोग हत्या की आशंका व्यक्त करने लगे। मृतक की पहचान न होने पर लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। इस संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर मृतक की फोटो फेसबुक और व्हाट्सएप पर पोस्ट की गई थी, जिसके बाद परिवार के लोग थाना पहुंचे और मृतक की पहचान सदर कोतवाली क्षेत्र के मनुआवपुर गांव निवासी स्वर्गीय सुदर्शन बनवासी के पुत्र चंद्रदेव बनवासी के रूप में की गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एसओ ने बताया कि ग्राम प्रधान राम किशुन बिंद की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा पंजीकृत कर मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। जल्द ही मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। गाजीपुर शहर कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह से मिला। उन्हें पत्रक सौंप दिलदार नगर के फल विक्रेता सलीम कुरैशी के साथ पुलिस ज्यादती की जांच कराकर दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एसपी ने जांच का भरोसा दिलाया है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष सुनील राम ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार में पुलिस मनमानी कर रही है। बीते 29 अगस्त की रात दिलदार नगर में फल विक्रेता सलीम कुरैशी के साथ पुलिस ने ज्यादती करते हुए मारपीट कर उसके पैर तोड़ने के साथ ही पैसा भी छीन लिया। एसपी को पत्रक सौंपने के बाद कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पीड़ित के घर दिलदार नगर पहुंचे और घटना के संबंध में जानकारी ली। पत्रक सौंपने वालों और पीड़ित से मिलने वालों में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश सचिव रवि कांत राय, पीसीसी सदस्य डॉक्टर जनक कुशवाहा, आनंद राय, उपाध्यक्ष चंद्रिका सिंह, मंसूर जैदी, अजय कुमार श्रीवास्तव, सतीश उपाध्याय, अनुज राय, महिला जिला अध्यक्ष उषा चतुर्वेदी, शमशाद अहमद, महबूब निशा, हिमांशु श्रीवास्तव, राकेश राय, पप्पू निषाद, अनुराग पांडे, रतन तिवारी, अवधेश साहू, संजय खरवार, राजेंद्र भारती, महासचिव हरिओम यादव, शमशाद अहमद, फरीद अहमद गाजी, श्याम नारायण कुशवाहा, विनोद प्रजापति, एहसन रजा आदि लोग शामिल थे। नो स्कूल नो फीस को लेकर चलाया जा रहा हस्ताक्षर अभियान लगातार जारी है। सोमवार को गाजीपुर नगर के पुरानी सब्जी मंडी नखास चीतनाथ स्टीमर घाट टाउन हॉल में अभियान चलाया गया। अभियान को अभिभावकों ने समर्थन प्रदान किया। इस मौके पर युवा सपा नेता अभिनव सिंह ने कहा कि फीस माफी को लेकर एक महीना पूर्व ही जिलाधिकारी को पत्रक दिया गया है। यदि जिला प्रशासन अभिभावकों की बात शासन तक पहुंचाने में जरा भी लापरवाही करता है तो अभिभावकों का गुस्सा आंदोलन का रूप ले सकता है, जिसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। अभियान में आरिफ खान, छात्र नेता, उपाध्यक्ष अतुल यादव, अभिषेक चौरसिया आदि शामिल रहे। दिलदार नगर थाना के अंतर्गत दिलदार नगर गांव में शनिवार की रात पुलिस की दबिश के दौरान फल विक्रेता सलीम कुरैशी का पैर और बाजू की हड्डी टूटने पर उसका इलाज वाराणसी में कराया गया। घटना के दूसरे दिन सोमवार को अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अनिल कुमार झा दोपहर में पीड़ित के घर पहुंचे, घायल पीड़ित के परिवार से घटना की विस्तृत जानकारी ली। मालूम हो कि एसपी के आदेश पर रविवार को सीओ जमनिया जांच करने पीड़ित के घर पहुंचे। घायल सलीम की पुत्री सुबी सहित अन्य सदस्यों से लिखित बयान भी लिया था। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि गोकशी की सूचना पर पुलिस सलीम कुरैशी के यहाँ पहुंची थी। उसे बुलाना चाहा तो 5 फीट की दीवार कूदकर भागा, जिसमें पैर में चोट लग गई। अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा मौके पर जाकर जांच करने का आदेश दिया गया है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा तत्काल कार्रवाई की जाएगी। गाजीपुर जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने सोमवार को विकास खंड जखनिया के नए भवन का फीता काटकर पूजन अर्चन का शुभारंभ किया। उन्होंने खंड विकास अधिकारी को इस नए भवन में सुचारू रूप से विभागीय कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। तत्पश्चात डीएम के विकास खंड कासमाबाद के ग्राम परजीपाह में बनाए गए स्थायी गौ आश्रय केंद्र का स्थलीय निरीक्षण भी किया। मौके पर 106 पशु मौजूद थे। जिलाधिकारी ने बताया कि यहां एक समिति के माध्यम से संविदा करार किया गया है जो इसकी देखभाल करेंगी। इस गौ आश्रय स्थल को 250 से 300 पशुओं को संरक्षित करने के लिए बनाया गया है, जिससे किसानों को घुमंतु एवं छुट्टे पशुओं से राहत मिल सके। जो पशु इधर उधर सड़कों खेतों में घूम रहे हैं उन्हें यहाँ जगह दी जाएगी। कहा कि पशुपालक अपने पशुओं को खुला ना छोड़े, ऐसा करने पर उन्हें चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।